बापूजी उस दिन मैं लाल दरवाजा होकर सीजी रोड जा रहा था तो मैंने रास्ते में देखा कि एक आदमी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए रिक्शा में जा रहा था। वो जैसे ही रिक्शा में से उतरा तो उसका शर्ट फंस कर फट गया। क्या हुआ जेठिया, मेरा मुंह क्यों फट गया? बापूजी, अरे बापूजी के सामने सुंदर को कैसे डांटू? क्या नहीं कुछ नहीं बापूजी। अबे देख, आज सुंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है समाज सेवा की। एक से एक सुनने लायक है। सुनने लायक नहीं, नालायक है ये। अरे खड़ा क्या है बैठ? हाँ बैठे ना। हाँ सुंदर, फिर क्या हुआ? हाँ तो वो आदमी फटे मुंह, मतलब के फटे शर्ट इंटरव्यू कैसे देता, तो मैंने अपना शर्ट निकाल कर उसे दे दिया। फिर मामा आपने क्या पहना? मैंने स्टोर से दूसरा शर्ट खरीद के पहन लिया और वो आदमी को नौकरी मिल गई। वाह सुंदर वाह, भले आज तक तूने नौकरी नहीं की लेकिन कोई नौकरी पे जा रहा हो उसका दुख दर्द तू बराबर समझता है। मामा मैं बड़ा होके आपकी जैसा ही बनूंगा। चल डप्पू सोने चल। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट मामा। गुड नाइट डप्पू। साले जीजा जी, साला मत को। तू मेरा साला नहीं है लेकिन आपका साला बोलने का भाव जरा अलग था। भाव वाड़ी तो मुझे यह बता तूने मेरा पास फाड़े क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बहन को और गोकुल धाम की सारी बहनों को वादा किया था कि 31st की पार्टी मैं उनके पति देवों के साथ एंजॉय कराऊंगा। तो तू अपने वादे के बारे में मुझसे बात भी कर सकता था ना? पास फाड़ने की जरूरत क्या थी? हाँ नहीं, मैं बात कर सकता था। तो क्यों नहीं? वो मुझे सूझा ही नहीं। अरे मार मार के मैं सूझा दूंगा। क्या सूझा देंगे वो लोग मुझे? सोसाइटी का सारे जेंट्स जिनको मैं वादा कर चुका हूँ कि 31st की पार्टी मैं आप लोगों का एंजॉय कराऊंगा 5-star होटल में। अभी सोडा शॉप पे मुझे मिलेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? एक मिनट, आपको ऐसा लगता है कि सुंदर ने कुछ गलत किया है? नहीं, सही किया है। तो फिर आप चिल्ला क्यों रहे? डॉडी पास फाड़ दिया इसने, वो क्या गलत नहीं किया, सही किया वो। और जेठा प्रा, ओ आजा थले यार, चलो चलो यार जल्दी सोडा की दुकान पे सोडा पीने। दे अभी इसको जवाब दे। सॉरी बॉय, डब्बू के पापा थोड़ी देर में आ रहे हैं। बस समझ गए? मैं सब समझ गया। ये तुम भाई बहन की मिली भगत है मेरा 31st का प्लान चौपट करने की, लेकिन मैं तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। अच्छा मुझे पापा, रुक जाइए, इसमें घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? अब्दुल की सोडा शॉप पे जा रहा हूँ। तूने अभी छोटी भाई को जवाब दिया ना? अरे टापू के पापा थोड़ी देर में, तो जाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ हाँ, लेकिन खाना तो खा लीजिए। तू खा और इसे भी खिला। हमने तो खाना खा लिया।
बना तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ